तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यहां द फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू एमिवे बंटाई वर्सेस एमसी स्टैन एंड बादशाह। तो गाइस एमिवे ने एमसी स्टैन एंड बादशाह को डिस कर दिया। जी हां गाइस, कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, एंड यहां पर वो एमसी स्टैन बादशाह एंड कुछ रिएक्शन चैनल्स को भी डिस किए थे। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड कुछ रिएक्शंस मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसी स्टैन का स्टोरी। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि स्टैन गए थे बिग बॉस, बहुत ही सक्सेसफुल रहे वो, एंड इस जर्नी में एमिवे बंटाई भी एमसी स्टैन को काफी सपोर्ट किए थे, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए थे पब्लिकली। बट आफ्टर विनिंग बिग बॉस जब एमसी स्टैन गए थे कपिल शर्मा शो में, तो वहां पर उनको जब खुजामत गाना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इफ यू डोंट नो तो खुजामत गाना में वो एमिवे को डिस किए थे, तो इसका आंसर देते हुए उन्होंने हंस कर बोल दिया कि कोई गज करण के लिए मैंने बनाया था। अब ये चीज एमिवे को अच्छा नहीं लगा एंड वो अपने सॉन्ग में ये कहे, प्यार दिया थे को माफी मांगने तूने कॉल किया, साफ है तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दी, और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला। बट ऑफ कोर्स सब कुछ तो मैं इधर प्ले नहीं कर सकता हूं, कॉपीराइट का सीन है। बट यार क्या एमसी स्टैन इसके ऊपर रिएक्ट किए, क्योंकि कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल जाने लगे जहां पर बोला जा रहा था कि एमसी स्टैन के कुछ डिलीटेड इंस्टाग्राम स्टोरीज है, जैसे कि ये वाला, गज करण एमएफ वांट सम हाइप लोल डोंट प्ले विद मी। एक और ये वाला फोटो कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे, मेरा एल दे इसको एल्बम की हाइप। बट ऑफ कोर्स गाइस फोटोज देख के ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दीज आर फेक। एमसी स्टैन अभी तक कुछ भी अपने तरफ से रिएक्शन नहीं दिए। नाउ कमिंग टू बादशाह। सो बादशाह ने ऐसा क्या कर दिया कि एमिवे ने उनको डिस किया? वेल एक शो के दौरान बादशाह कुछ ऐसा बोल दिए थे जो कि एमिवे को अच्छा नहीं लगा, आप खुद देख लो। You after you. I know it's gonna be true. मुझे ऐसा क्यों लगा ये यू करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था भाई। कोने देख बंटाई, जरा उसको भी कुल्फा कराओ। बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय वे। नाउ ये डिस्ट्रैक्ट आने के बाद बादशाह कुछ डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं दिए, बट उन्होंने ये पोस्ट जरूर किया था, नेक्स्ट अपडेट इज गोइंग टू बी अबाउट दी एल्बम। एंड ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में सब लोग खाली एमिवे के डिस्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और तो क्या एमिवे अफेक नाम के रिएक्शन यूट्यूबर को भी डिस किए? वेल अफेक ऐसा सोचते हैं क्यों, आप खुद देख लीजिए उनके वीडियो से ये क्लिप। रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेकडाउन, देखता हूं कौन यहां ओजी और कौन यहां फेक क्लाउन बनता कर रहा। कोई रिएक्शन चैनल करते हैं ब्रेकडाउन, देखता हूँ कौन या ओजी एंड कौन या फेक क्लाउन। अ फेक क्लाउन कौन या फेक क्लाउन, फेक को क्लाउन बोल दिया भाई। अरे यार दिक्कत क्या है भाई, मैंने क्या तुम्हारे जिंदगी में गलत करा, ये बताओ तुम्हारे किस गाने को मैंने गलत, हो सकता है भाई हाँ मैं गलत ब्रेक डाउन कर दिया हूँ गाने का, लेकिन भाई ये बताओ अभी अगर मैं अपनी जिंदगी की चार लाइनें बना के तुमको मोहनजोदारो की हिस्ट्री उठा के दे दूँ जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, क्या ब्रेक डाउन कर देगा क्या भाई, कौन कर देगा एक बार में ब्रेक डाउन? पर रिएक्शन जाने लगा भाई, जो सवाल आता बोल लेते। अब इस गाने के ऊपर यो यो हनी सिंह भी रिएक्ट किए। जी हां गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली हनी सिंह रफ्तार एंड बादशाह का पुराना बात वापस बाहर आ गया था एंड कुछ कंट्रोवर्सीज हो गए थे। वेल उसके बाद एमिवे के तरफ से जब ये डिस आया एंड इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किए, तो उन्होंने ये कमेंट किया, साडा इंडिया दी एमिनेम, नो वन लाइक यू ब्रो, दे आर योर प्यूब्स। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एमिवे कहे भाई विद हार्ट इमोजी। इतना ही नहीं, इसको वो अपने स्टोरी में भी शेयर करके कहे तूफान। नेक्स्ट कुछ स्टोरीज में उन्होंने कोट शेयर किया, जैसे कि ये वाला, व्हेन योर गोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अ पार्टी वेलकम टू द 1% क्लब, फर्स्ट दे मेक फन ऑफ यू देन दे कॉपी। सो या गाइस इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेटर यश दयाल के बारे में। नाउ यश दयाल ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया जिसके वजह से उनको सॉरी बोलना पड़ा। या गाइस शायद आप लोगों को आईपीएल से यश दयाल याद होंगे, ये वही बॉलर है जिनके अगेंस्ट रिंकू सिंह ने 5 sixes मारे थे। अचानक से उनके इंस्टाग्राम में एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी अपलोड हुआ जिसको देखकर आप समझ ही सकते हो ये लव जिहाद से रिलेटेड टॉपिक पर एक पोस्ट है। एंड कुछ ही देर बाद दिस स्टोरी वाज डिलीटेड, बट लोग उनके तरफ बहुत ज्यादा हेट देने लगे। तो उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये ट्वीट किया, गाइस अपोलॉजीज फॉर द स्टोरी, इट वाज जस्ट पोस्टेड बाय मिस्टेक, प्लीज डोंट स्प्रेड हेट, थैंक यू, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी एंड सोसाइटी। आगे उनके तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया, देयर वर 2 stories पोस्टेड ऑन माय इंस्टा हैंडल टुडे, बोथ ऑफ व्हिच वरंट डन बाय मी, आई हैव रिपोर्टेड द मैटर टू अथॉरिटीज एज आई बिलीव माय अकाउंट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड फॉर पोस्टिंग। बेसिकली वो कह रहे हैं कि शायद उनका अकाउंट हैक हो गया एंड किसी और ने वो स्टोरीज पोस्ट किए। अब कुछ लोगों को ये रियल लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहाना मार रहे हैं, बट यार जो भी सिचुएशन है मैंने आप लोगों को बता दिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने नए वीडियो एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में एक सीरियस डिस्कशन किए। जहां गाइस वो यूट्यूब स्टोरीज के थ्रू अपने ऑडियंस से ये क्वेश्चंस पूछे। देखो मैं तुम लोग से आज दिल से बात करता हूं यार, बड़ा मन है यार, मैं बोल देता हूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, मैं उस पॉइंट पे आ गया लाइफ में चूज नहीं कर पा रहा हूँ टॉपिक की, अब जो मेरी जनता है उनके लिए क्या बनाऊँ। देखो मेरे को समझ नहीं आता है, मैं कुछ नया बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है। बट फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है यार कि जनता को अपना पुराना वाला शू पुराना स्टाइल बहुत पसंद है,
एंड वो मैंने होली में किया है। बट फिर ये भी लगता है कि यार अगर मैं वही पुरानी चीज़ें करता रहूँगा तो चैनल पे तो सेम टाइप का कंटेंट है, या फिर पुराने कुछ टॉपिक को नई स्टाइल में प्रेजेंट करूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैं इसी दुविधा में अटका हूँ कि मैं कुछ नया करूँ या तुम लोगों को कुछ पुराना स्टाइल चाहिए, क्योंकि तुम लोग ने पुराने स्टाइल के वीडियो पे बहुत प्यार दिया मेरे को। एंड मोस्टली इनके स्टोरीज के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं ऑफ अ वेब सीरीज, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ओल्ड आशीष चंचलानी वाइब्स वाला वीडियो भी डिमांड कर रहे हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। नाउ आदि पुरुष टीम ने एक बहुत ही यूनिक डिसीजन लिया है। जहाँ गाइस आप लोगों को पता होगा कि जून 16th में ये थिएटर्स में रिलीज होने वाला है, बट रिलीज होने से पहले आदि पुरुष टीम के तरफ से ये नोटिस आया कि दे आर गोइंग टू डेडिकेट वन seat in every theater across the globe to Lord Hanuman and will be kept unsold honoring the beliefs of Lord Ram Bhakts. Yeah guys, basically sare theaters mein ek seat unsold rahega which will be dedicated to Lord Hanuman. Ab ye step aapko kaisa laga mere ko comments mein zarur batana. To chaliye ab aage badhte hum log baat karne wale Tanmay Bhatt ke bare mein. To Tanmay Bhatt ka channel kal hack ho gaya and is cheez ke upar wo react kiye. Yeah guys, jaisa ki aap dekh sakte ho unka channel hack ho gaya and rename karke Tesla Corporation ho gaya, jiske upar react karte hue unhone apne stories mein kaha, "So my channel got hacked. You obviously know better than to believe Elon Musk would actually not buy my channel and broadcast Tesla nonsense on it. Needless to say, yes, channel got compromised. Working with YouTube and Google India to recover and fix, not to worry. And next story में उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे YouTubers उनको reach out करके पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये full process के ऊपर एक पूरा solution breakdown video बनाएंगे ताकि हम लोग का channels fake रहे। फिलहाल तो वो recover करने का कोशिश कर रहे हैं and two factor authorization एकदम secure नहीं है, उन्होंने कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Elvis यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के मीटअप में एक सीन हो गया। क्या गाइस, वो राजस्थान में गए थे एक मीटअप करने एंड वहां पर बहुत सारे लोग आ गए एंड कुछ बाउंसर्स उनके सब्सक्राइबर्स के ऊपर लाठी चार्ज कर दिए, जो कि एल्विश यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अपने व्लॉग में इसके बारे में ये कहे, एक चीज मेरे को सही नहीं लगी वहां की, का मैनेजमेंट मेरे को सही नहीं लगा। क्यों नहीं सही नहीं लगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो अपने बंदे आए उन्होंने उन पे लाठी चार्ज करवाई। पहली चीज मैं उनको मना कर रहा था अंदर से बैठ के, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो कहते नहीं वो भीड़ को काबू में कर, मैंने कि भीड़ काबू में करना इज डिफरेंट, भीड़ को मारना इज डिफरेंट। मैंने कि उनको एक बाउंड्री सेट कर दो कि उसके आगे ना आए, ये मारने का कोई वो थोड़ी है, लाठी चार्ज वगैरह पुलिस तोड़ी है, बाउंसर्स कर रहे हो सारे काम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिंदास काव्या एंड क्रेजी दीप के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि बिंदास काव्या के ट्विटर अकाउंट में कुछ पॉलिटिकल ट्वीट्स आ रहे हैं जिसके वजह से उनको थोड़ा सा हेट भी मिल रहा था। वेल क्रेजी दीप इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए ये एलिगेशन लगाए थे कि ये बिंदास काव्या का अकाउंट वो नहीं चला रही है बल्कि उनके फादर चला रहे होंगे। बट उनको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए बिंदास काव्या अपने ट्विटर में ये कही, यार कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये बिंदास काव्या ये छोटे से बच्चे ट्विटर पे क्या उखाड़ लेंगे, मागुन पाय घालेल तोड़ात ना काढेल, किसी से ट्रांसलेट करवा लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। या गाइस, ही इज द फर्स्ट यूट्यूबर टू डू दिस। आप लोगों को पता ही होगा कि उनके दो वेब सीरीज अभी तक आ चुके हैं, एक ढिंडोरा एंड दूसरा ताजा खबर। कल IMDb की तरफ से एक लिस्ट आया था ऑफ टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम, जिसमें कि भुवन बाम के ये दोनों वेब सीरीज लिस्टेड है। तो इस पर उन्होंने कहा, टू ऑफ आर शोज मेड इट टू दिस लिस्ट, व्हाट एन ऑनर, थैंक्स टू ईच एंड वन ऑफ यू, अभी तो शुरुआत है @BBKWines Productions। तो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर पहले यूट्यूबर बन सकते हैं टू डू दिस। जहां गाइस वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस चीज के बारे में बताएं, आप खुद सुन लीजिए। बस मेरे को दुबई जाकर के एक सबसे बड़ा चीज ये करना है कि मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मतलब दुबई जाकर के भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तभी गाड़ी इंडिया आएगी। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग पहले यूट्यूबर बन जाएंगे जो दुबई नाम की नंबर प्लेट की गाड़ी इंडिया में चलाएगा। जो गाड़ी आएगी उस पर इंडियन नंबर रजिस्टर नहीं होगा, उस पर ना दुबई का नंबर, DXB वाली गाड़ी होगी, मतलब दुबई का। इस दुबई के नंबर प्लेट की गाड़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी कैन गेट इट टू इंडिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊंगा। सो कुछ बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो सोच रहे थे कि नहीं कर पाएगा? उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने बाबू भैया या अनुराग डोभाल से तकड़ी मेहनत करो, इससे आगे बढ़ के दिखाओ। मजा तो तभी है ना जब आगे बढ़ के दिखाओ, बाकी पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं भी बोलता हूँ कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन जिनमें दम होता है वो आगे बढ़ते हैं। Exactly guys. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। नाउ अगर आप बीस्ट बॉय शुभ को ट्विटर में फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पर वो काफी ऑनेस्ट एंड ब्लंट ट्वीट्स करते हैं, मतलब कि जो भी उनका ओपिनियन होता है उसको वो ऑनेस्टली शेयर कर देते हैं। ऐसा सिमिलर चीज लक्ष्य भी अपने ट्विटर अकाउंट में करते हैं। तो बीस्ट बॉय शुभ को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने ये कहा, आई लाइक बीस्ट बॉय शुभ बींग सच अ बिग यूट्यूबर, स्टिल ही डजंट हेसिटेट टू पोस्ट हिज सिली थॉट्स पर्सनल ओपिनियन ऑन ट्विटर, ही इज माय डीमन सोल लिटरली, भाई को सब्स लूज करने का डर नहीं है, आई पर्सनली एंजॉय
इंप्लॉइज ट्वीट्स एंड लफड़ास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं स्वास्थ्य एंड कीर्ति चाओ के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा रिसेंटली ओयोमी वर्सेस कीर्ति चाओ का क्या सीन हुआ है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया है। वेल इनिशियली जब ओयोमी का वीडियो आया था एंड उन्होंने कीर्ति चाओ के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए थे, तब काफी सारे लोग कीर्ति चाओ के अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे थे इंक्लूडिंग स्वास्थ्य, एंड इन दोनों का अच्छा बातचीत भी है। बट जैसे ही कीर्ति चाओ के तरफ से रिस्पॉन्स वीडियो आया, उनका साइड ऑफ द स्टोरी हम लोग को पता चला, तब स्वास्थ्य अपने कमेंट को रिग्रेट की एंड इस टॉपिक पर वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड कर दी, आप जाकर देख सकते हो। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहा सचदेवा 2.0 ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड शंकर पेट ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड चिमकांडी ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कंप्लीट कर चुके हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले ड्रेक के बारे में। नाउ रैपर ड्रेक के साथ लाइव स्ट्रीम में एक एंबैरेसिंग मोमेंट हुआ। आप लोगों को पता ही होगा ये कितने पॉपुलर है एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, बट जब वो लाइव स्ट्रीम में एक क्रिएटर को डोनेट करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका कार्ड डिक्लाइन हो गया, एंड इसके ऊपर उनका रिएक्शन देख लो। Oh, Carlos declined. Embarrassing. Carlos declined. By the way, she's like getting a full foot massage and we're just like, yeah, we're just yeah. not even. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रू टेट के बारे में। तो एंड्रू टेट ने ये एक्टिविस्ट को काफी बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया। जी गाइस शायद आप लोगों को पता होगा कि अभी प्राइड मंथ चल रहा है एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अराउंड काफी सारे डिस्कशंस भी चल रहे हैं। एक एक्टिविस्ट है नीना टर्नर करके, उनके ट्वीट के नीचे किसी ने उनसे ये पूछ लिया था डिफाइन वुमेन, तो वो रिप्लाई करते हुए कही इफ समवन सेज दे आर अ वुमेन दे आर अ वुमेन नॉट अ टफ कॉन्सेप्ट। अब उनको ट्रोल करते हुए एंड्रू टेट अपने फोटोज को पोस्ट करते हुए कहे आई एम अ वुमेन, मतलब बेसिकली वो उनके लॉजिक को ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई कोई अपने आपको औरत बोल दिया तो वो औरत ही बन गया क्या। और इतना ही नहीं, वो अपने ट्विटर के बायो में जाकर ये लिख दिए मोस्ट गूगल्ड वुमेन इन द वर्ल्ड। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर बॉक्सर डीन द ग्रेट के बारे में। नाउ अगर आप यूट्यूब बॉक्सिंग कम्युनिटी में थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आप लोगों को पता होगा डीन द ग्रेट काफी सारे फाइट्स जीते हुए हैं। रिसेंटली उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है एंड लोग कह रहे हैं कि वो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद ये क्लिप में देख लो। You won't get canceled immediately. No, no, I'm not. Yes, you are. Stop doing that with your hand. No, I'm not. You're gonna get yourself canceled, bro. Not really. If I don't know what I do. What is your name? Yuren. Stop. He looks like Bungie. Dean, stop. Bungie. Dean, stop. My name is Dean. So yeah, जैसा कि आपने देखा वो इंडियन एक्सेंट को लेकर थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहे थे एंड कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो बस मजाक मस्ती कर रहे थे, इसको इतना सीरियसली मत लो। एनीवेज चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बस अभी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।